Hello friends, how are you? Today we are going to discuss about nuclear reactor. हम आज बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ा हुआ. तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है. जैसे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का भागीदारी कितना है. तो भारत देश में जो बिजली बनती है कितनी परसेंटेज न्यूक्लियर रिएक्टर से बनती है उसके बारे में तो बात करते हैं. यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है. न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल करके वाटर को बॉईल करके उसे टरबाइन को चलाया जाता है. टरबाइन जनरेटर को चलाता है, जनरेटर आपका बिजली पहुँचाता है आपके गाँव शहर तक. तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है जिसमें पानी को उबाल दिया जाता है. तो अब बात करते हैं सेकेंड. तो सेकेंड जो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है जिसमें वाटर को प्रेशर के द्वारा हीट कर दिया जाता है और फिर ये टरबाइन को चलाता है, टरबाइन जनरेटर को चला देता है और जनरेटर से फिर आपकी बिजली उत्पन्न होकर शहर तक आप तक पहुंचती है. अब अंतर क्या होता है, जो आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है इसमें नेचुरल यूरेनियम यूज किया जाता है एज ए फ्यूल और हैवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में. अब जो तीसरे प्रकार का सीरीज है न्यूक्लियर रिएक्टर का वो है वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, तो WWER. तो थर्ड टाइप का रिएक्टर है. इसमें भी आप देख पा रहे हैं वाटर को गर्म हीट किया जाता है, उसके बाद फिर वाटर टरबाइन को चलाता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, जनरेटर से भी बिजली उत्पन्न होकर आपके शहर गांव तक पहुंचती है. अब देखते हैं कि 2020 तक भारत द्वारा टारगेट रखा गया है कि वो 20,000 मेगावाट बिजली 2020 तक प्राप्त कर लेगा न्यूक्लियर रिएक्टर से और 2032 तक 63,000 मेगावाट बिजली प्राप्त कर ली जाएगी न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा और 2050 तक का टारगेट है कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी होगा उसका 25% प्राप्त किया जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर से. तो आज की डेट में बात करते हैं तो न्यूक्लियर पावर इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. तो भारत में पांचवें स्थान पड़ता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का बिजली उत्पन्न करने में. तो देखते हैं पहला किसका स्थान पड़ता है. तो पहला है कोयला. तो हम सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पन्न करते हैं वो कोयले से है. तो तापीय ऊर्जा, तो क्वेश्चन आता है भारत में बिजली उत्पन्न करने के स्रोत, तो ऑप्शन वन रहेगा तापीय ऊर्जा. तो तापीय ऊर्जा क्या है, कोयला है. दूसरे नंबर पे गैस है. तीसरे नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी है जिसमें आप नदी के ऊपर डैम बनाकर पानी को स्टोर करके और फिर उसे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. चौथा है विंड पावर, तो पवन चक्की के द्वारा आप बिजली उत्पन्न करते हैं. तो पांचवें स्थान पर कौन आया, न्यूक्लियर रिएक्टर आया. तो भारत में पांचवां स्थान है न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का. अब देखते हैं भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहां कहां कार्यरत है. जो आप वॉयलेट कलर में देख पा रहे हैं वो अभी कार्यरत न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय से अंतर है. और जो येलो कलर में देख पा रहे हैं वो अभी न्यू साइट है, अभी एक्टिव होने वाले हैं, अभी उन पर क्या है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी उन पर. तो देखते हैं वायलेट कलर वाले, तो नरोरा है जो उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान का रावत भाटा है और ककरपर ये गुजरात में आता है, तारापुर महाराष्ट्र में आता है जो भारत देश का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी था. फिर कैगा कर्नाटक में आता है और कल्पक्कम तमिलनाडु में आता है और कुंडनकुलम जो सबसे अंतिम है सातवां नंबर का है ये तमिलनाडु में आता है. तो ये यहाँ पर आपने देखा जो वायलेट कलर में है वो सात न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो अभी ऑपरेटिंग में है, ऑपरेशन कंटिन्यू है उनका. तो देखते हैं पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर था भारत का वो है तारापुर या तारापर महाराष्ट्र में है. इसे ऑपरेटर करता है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, इसको कंट्रोल करता है. इसको क्या सभी जो न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया के अंदर सात उन सभी को कंट्रोल यही करता है. तो ये किस प्रकार का है,
ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, BWR है, और इसमें कुछ यूनिट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का भी है। तो कैपेसिटी इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है 1400 मेगावाट, और ये किसकी मदद से लगाया गया है? अमेरिका की मदद से इसको लगाया गया है। तो क्वेश्चन आता है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो तारापुर है, महाराष्ट्र में है। किसकी मदद से लगाया गया है? अमेरिका की मदद से लगाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दूसरे नंबर पे है रावत भाटा, तो उसके बाद रावत भाटा बनाया गया, राजस्थान में है। इसका ऑपरेटर भी वही है, NPCIL। टाइप्स किस प्रकार का है इसका? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, PWR, PHWR है। टोटल कैपेसिटी है जो इसका 1180 मेगावाट है, और जो ये बनाया गया है ये मदद से बनाया गया है कांडो, कांडो की मदद से बनाया गया। कांडो का मतलब क्या हुआ? CAN से हुआ कनाडा, D से हुआ ड्यूटेरियम, U से हुआ यूरेनियम। तो कांडो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के साथ सहयोग से बनाया गया। अब 1974 में क्या हुआ था? भारत ने पोखरण वन अभियान, जिसमें परमाणु परीक्षण किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था ये। इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, कनाडा स्टॉप्ड देयर सपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कनाडा ने, जब भारत ने पोखरण अभियान, पोखरण परीक्षण किया, तो उसमें उसके बाद कांडो ने अपना सहयोग देना बंद कर दिया था रावत भाटा के लिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। तीसरे नंबर का है कल्पक्कम, मद्रास ऑटोमिक पावर स्टेशन, मैप्स बोलते हैं इसे, तमिलनाडु में है। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1984 को हुई थी। अब इसमें जो यूनिट है, मैप्स वन, मैप्स टू, डिजाइन टू प्रोड्यूस 235 मेगावाट। अब जो मैप्स वन था वो कंप्लीटेड किया गया था 1981 में, तो 1981 में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्टेज ऑफ हैवी वाटर डिले कर दिया गया, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो क्वेश्चन आता है, कौन सा नाभिकीय संयंत्र है जो हैवी वाटर की कमी के कारण रोक दिया गया था? वो था आपका कल्पक्कम, तमिलनाडु में। अब इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, है चौथे नंबर पे है नरोरा, जिसे नरोरा ऑटोमिक पावर स्टेशन, नैप्स भी कहा जाता है, जनवरी 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑपरेटर वही है, लोकेशन उत्तर प्रदेश है। कैपेसिटी इसका 440 मेगावाट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ककरापर गुजरात, जिसे ककरापर ऑटोमिक पावर स्टेशन, काप्स कहा जाता है, 6 मई 1993 को स्टार्टिंग हुआ था इसका। कैपेसिटी इसका 440 मेगावाट है। वही है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। कांडू ओनर्स ग्रुप है जो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था काप्स को एज ए बेस्ट परफॉर्मिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो कांडू ने इसे सबसे अच्छा कार्य करने वाला एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की संज्ञा दी। तो कांडू आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, कांडू क्या था? कांडू से क्या था? CN से कनाडा था, D से ड्यूटेरियम था, और U से यूरेनियम था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, छठे नंबर पे है कैगा, कर्नाटक में है। 16 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। इसकी जो कैपेसिटी है वो 880 मेगावाट है। टाइप्स वही है इसका भी, ऑल ऑफ द फोर यूनिट आर स्मॉल साइज्ड कांडू प्लांट्स ऑफ 220 मेगावाट्स द यूनिट, फ्यूल्ड बाय इंडिजिनियस यूरेनियम। अब जो इसमें 4 यूनिट था उसमें से 2 यूनिट कांडू द्वारा लगाई गई है, तो कौन से में? कैगा में, कर्नाटक में। तो कांडू की 2 यूनिट कार्यरत कौन से में है? कैगा में है, कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट सातवें नंबर का है जो कुंडनकुलम, तमिलनाडु में है। 22 अक्टूबर 2013 को जब वहाँ की CM जयललिता और आपके प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सिंगल लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, तो एक सिंगल सबसे बड़ा जो कैपेसिटी वाला पावर प्लांट है वो कुंडन कोलम है। इसका कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ था 2000 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2002 से, और 2011 में
इस प्लांट का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था क्योंकि फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जापान में, वो भूकंप के कारण लीक हो गया था, जो एक सेफ्टी के पर्पज से वीक पॉइंट था। तो उसे देखते हुए, सेफ्टी पर्पज की ओर ध्यान देते हुए कहा गया कि जो आप ये न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने जा रहे हो कुंडनकुलम, ये कितनी मात्रा में सेफ है यहाँ के लोगों के लिए। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट जारी रखा था। तो काफ़ी समय के बाद प्रोटेस्ट को हटाया गया, फिर उसके बारे में बातें की गई और फिर जाके कुंडनकुलम का जो है शुरुआत की गई। अब टाइप्स कैसा है, इसमें टाइप्स अलग तरह का है। तो फर्स्ट सेकंड टाइप देखा था, इसमें थर्ड टाइप है वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर, इसे VVER भी बोला जाता है। और ये रिएक्टर जो है ये रसिया के कंसेप्ट के रिएक्टर हैं, रसिया द्वारा बनाए गए हैं। तो ये रिएक्टर जो है आपका कुंडनकुलम में है। तो कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र में किसके सहयोग से बनाया गया है, रसिया के सहयोग से बनाया गया। तो पहला देखा था आपने अमेरिका के सहयोग से, दूसरा कनाडा के सहयोग से, फिर इंडिजीनियस चले थे आपके, और अभी जो सातवें नंबर का कुंडनकुलम है ये रसिया की मदद से। और कौन सा टाइप है, ये वाटर वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है। अब इसके बाद बात करते हैं जो कार्यरत हैं, 12वें पंचवर्षीय योजना 2012 द्वारा प्लान्ड कर दिए गए थे कि आने वाले टाइम में उनसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, गोरखपुर हरियाणा में, तो गोरखपुर 1 यूनिट, गोरखपुर 2 यूनिट, गोरखपुर 3-4 यूनिट। तो इनका टारगेट रखा गया है 2019 को, 2020 को, इसका भी 3 और 4 का टाइम नहीं रखा गया। तो मेगावाट रहेगा, कितना रहेगा आप जानते हैं, 700-700 करके रहेगा हर यूनिट का। तो उसके बाद है चुटका है, मध्य प्रदेश में है, चुटका 1, चुटका 2, और फिर माही 1-2 राजस्थान में है, फिर माही 3-4 जो है राजस्थान में है, कैगा 5 और 6 अभी 4 तक यूनिट कार्यरत हैं, तो 5-6 कर्नाटक में है, और कुंडनकुलम 5 और 6 तमिलनाडु में है, जो 2019 में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट रखा गया है 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा, वो रखा गया है 14 यूनिट को कंप्लीट करना है और 10,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। आइए देखते हैं जो यूरेनियम की स्टेट कौन कौन सी हैं, कितनी मात्रा में पर ईयर वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो झारखंड, झारखंड का जो जादूगुड़ा क्षेत्र है, तो झारखंड के जादूगुड़ा से यूरेनियम निकाला जाता है, और फिर सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ से भी निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी यूरेनियम निकाला जाता है, और उसके बाद तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर मेघालय। तो मेघालय में भी आपका यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विश्व में यूरेनियम के उत्पादक देश और भंडारक देश। तो उत्पादक प्रोड्यूसर, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, वो फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में दूसरा आता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है रिजर्व में, रिजर्व में फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड नंबर पे कजाकिस्तान है, और थर्ड नंबर पे कनाडा है। तो पेपर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही पूछ लेता है। तो ट्रिक के द्वारा याद करेंगे यहाँ पर, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है आज की डेट में, तो फर्स्ट नंबर पर कजाकिस्तान, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। तो पहचान बनी काकाओ, का से कजाकिस्तान, का से कनाडा, ओ से, अब देखने में तो यहाँ प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, ओ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग के हिसाब से यहाँ ओ नहीं है, ये ए यू एस नहीं है, क्या है, ओ है। तो काका ओ ट्रिक बनता है आपका प्रोड्यूसर कंट्री के लिए। अब रिजर्व की बात करते हैं तो उसे उल्टा कर देंगे, पहले ओ पीछे था, अब ओ को आगे ले आएंगे, तो ये हो गया ओ काका, ओ काका। तो ओ से बन गया ऑस्ट्रेलिया, का से बन गया कजाकिस्तान, और का से बन गया कनाडा। तो आप एक तरफ देख पा रहे हैं विश्व में यूरेनियम के भंडारक देश, और दूसरी तरफ देख रहे हैं यूरेनियम के उत्पादक देश। अब इसके बाद भारत में राज्य की बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा यूरेनियम के भंडारण पाए जाते हैं। तो आप मैप में देख भी पा रहे हैं, तो
सबसे ज्यादा तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश में 35% है, फिर तमिलनाडु उड़ीसा में 15-20% है, केरला वेस्ट बंगाल में 10-15% है और बिहार में 0-5% यूरेनियम का जो रिजर्व मिलता है। अब इसके बाद भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर का सिस्टम कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया है, वो कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, या दूसरा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। तो फिर आगे आप देख पा रहे हैं कि इनको ये कंट्रोल कर रहा है। तो पहला है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो स्थापना की गई थी 1948 में, और फिर उसके बाद जो 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपने अभी पढ़ा वो कौन क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है। एक कांडो रिएक्टर यूजेज, कि एक कांडो रिएक्टर में क्या यूज होता है, किस लिए वो जाना जाता है, तो आप पहले ही पहचान कर चुके हैं कांडो की पहचान क्या है। नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। तो जो कांडो रिएक्टर होते हैं, कांडो कंसेप्ट के रिएक्टर होते हैं, कनाडा की मदद से लगाए जाते हैं, वो उसके अंदर जो प्राकृतिक यूरेनियम तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, और हैवी वाटर जो ड्यूटेरियम है आपका D2O है, वो मॉडरेटर या कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज जनरेटेड इन न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट जनरेट होता है वो क्या कारण होता है, कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर फिजन होता है। तो उसमें आप देख पा रहे हैं फिजन ऑफ यूरेनियम 235 बाई न्यूट्रॉन्स। तो नाभिकीय संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, और नाभिकीय विखंडन क्रिया का प्रयोग किया जाता है फिजन का। तो फ्यूजन तो नाभिकीय संलयन होता है जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप बात करते हैं सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, तो आप कहते हैं सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन क्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट एंड बेरिलियम कैन बी यूज्ड एज इन ए न्यूक्लियर प्लांट। तो न्यूक्लियर प्लांट में जो ग्रेफाइट होता है, बेरिलियम होता है, वो किस के लिए इस्तेमाल होता है, कंट्रोल रोड्स के लिए इस्तेमाल होता है, कूलेंट के लिए होता है, या रिफ्लेक्टर के लिए होता है, तो वो मॉडरेटर के